स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइट चिकन बिरयानी पुलाव। उसमें क्या क्या चीजें डलेंगी मैं आपको बताती हूँ। मैंने 4 कप चावल लिए हैं, 1 किलो चिकन ली है, 7-8 मैंने प्याज ली है, 8-10 हरी मिर्चें ली हैं और 7-8 टमाटर लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लूंगी 2-3 चम्मच, थोड़ा नमक और साबुत गरम मसाला। तो दोस्तों हमारी तमाम चीजें जो हैं इस टाइम कर चुकी हैं, तो चलें दोस्तों हम शुरू करते हैं झटपट। हम इसमें आधी प्याली ऑयल लेंगे, इसको के लिए लेंगे 2-3 लौंग, प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए हम थोड़ा सा हमेशा चुटकी सा नमक डालते हैं, लाल होने देते हैं। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, ये मैं सारी प्याज जो है बाहर निकाल लूंगी, फिर मैं अदरक लहसुन डाल के उसमें चिकन भूनूंगी। हम इसे इस तरह से निकालेंगे कि इसमें ऑयल ना रहे। अब हम जो इसमें 3 भर के चम्मच अदरक लहसुन भी लेंगे, अब हम इसे भून लेंगे तेज आंच पे थोड़ी देर। तो दोस्तों हमारी चिकन भूनने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला, 2 चम्मच नमक, 1 कटोरी हरी मिर्चें, टमाटर डालेंगे, पता चलाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, 2 प्याली पानी डाल देंगे दोस्तों, और हम इसको दम रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। दोस्तों अभी इसे चेक करते हैं, इसमें चम्मच चलाते हैं। अब हम इसे ढक देंगे। अब हमने दूसरी तरफ अपने चावल बॉईल करने रख दिए हैं और मैंने इसमें 2 चम्मच जो है नमक डाल दिया है। तो दोस्तों हमने जो प्याज निकाली थी शुरू में, अब हम उसको जो है मशीन में ग्राइंड करेंगे। आजकल सिलबट्टा तो होता नहीं है, मशीन को ही यूज करते हैं हम लोग। प्याज हो गई है, अब हम इसको मोटा मोटा निकाल लेंगे। मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक नहीं किया है, इसको मोटा मोटा रखा है। अब मैं इसमें जो है वो निकाल लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था, इस पर चम्मच चलाएंगे प्याज को मसाले के साथ भूनेंगे। देखिए तकरीबन हमारे आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी, हमारा मसाला जो है रेडी है। थोड़ा हम इसमें धनिया पुदीना जो है साथ में डाल देंगे, बाकी मैंने आधा जो है वो तय के लिए रखा है। अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मैंने 4 कप चावल लिए थे, अभी मैं पानी में डाल रही हूँ। इसको ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, फिर इसमें बॉयल आ जाएगा। तो तकरीबन हमारे चावल हो गए हैं, वाओ कैसे खिले खिले माशाल्लाह हो गए हैं। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी हम इसको जो है हल्की आंच पे दम देंगे, मैं तय लगा रही हूँ। तो अब देखें धुआं निकल रहा है, कितना अच्छा कलर है रंगोली किचन की तरह खाने का। ऑयल डालेंगे, खाने में बहुत ज्यादा जायकेदार होगी। दोस्तों हमारी बिरयानी की तह लग चुकी है, अब हम इसके लिए जब डिश आउट करेंगे तो प्याज गार्निश के लिए ब्राउन करते हैं। दोस्तों हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है गार्निश के लिए और भगार के लिए। पहले हम इस गार्निश के लिए थोड़ी सी निकाल लेते हैं और अब हम इसको भगार में लगा देते हैं। हमारी बिरयानी में दम आ चुका है जबरदस्त किस्म का, अब हम इसको डिश आउट करते हैं मिक्स करके। तो दोस्तों ये मैं इसको डिश आउट करने के लिए थोड़ा सा मिक्स करती हूँ चूल्हे के ऊपर ही, ताकि मसाला थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाए। तो ये वाइट चिकन बिरयानी है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके मसाले को मिक्स करना पड़ता है, और जब आप इसको अच्छे से डिश आउट करेंगे और मिक्स करेंगे तो उसकी लज्जत और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसको हमेशा एक साइड से आप जो है मिक्स करा करें,